बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ी कुल्लिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। सदकल्लाहु अज़ीम व सदक रसूलुहु नबीउल करीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हमारा नफीसी स्टूडियो का विज़िट जो है वो तकरीबन चौथा विज़िट है। चार क्लासेस हमारी गुजर चुकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आपने देखा, पढ़ा, सुना, जो लेक्चर सुने, जो पेंटिंग देखी, अल्लाह इसको इबादत में कन्वर्ट कर दे और इसको आपको ताज़िंदगी करने की तौफीक भी अता फरमाए। आज थोड़ा सा साइज़ पेंटिंग का बड़ा है, आज मैं बातें बहुत कम करूँगा और थोड़ा सा टेक्निक भी इसके अंदर है कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। और पहले 24x24 का पैनल होता था, आज 24x36 का है, यानी कि 3x2 फिट का है। तो इस पे ज़रा सोच समझ के हमने रंग भी लगाने हैं और इस पे हमने अस्मा और हुस्ना की सेटिंग करनी है। तो इसलिए आज बातें हम कम करेंगे, इंशाल्लाह पेंटिंग को निभाएंगे कि इतने टाइम के अंदर पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा कोई सवाल जवाब हुए, टाइम बच गया तो फिर सवाल जवाब भी सुन लेंगे आपके, या आज ना सुन सके तो कल सुन लेंगे। लिहाजा मेरा मकसद ये है कि हमारा टाइम जो है एक एक मिनट का भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो आइए मुलाजा फरमाइए कि पेंटिंग का आगाज़ करने लगे हैं, इसको किस अंदाज से हमने करना है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसको हमने ये वाइट कलर लिया, ये जरा देखना टोन आ रही है, और इसमें थोड़ा सा हमने टिंट लेमन और थोड़ा सा टिंट मिड येलो का, लाइट, ये हमने एक इसका बॉर्डर जो है लाइट कलर का बनाना है और आई जजमेंट से हम इसको कलर लगाएंगे, इसकी डिवीजन करेंगे। ये कोई नाप तोल के मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, 2 इंच छोड़ दें, 3 इंच छोड़ दें, 2.5 इंच छोड़ दें, क्योंकि इसको हमने स्केल के साथ तो लाइन नहीं लगानी होती। ये तकरीबन थोड़ा सा हाफ से ऊपर हम इसको छोड़ देंगे। जी वाइट अजीज तुलबा, इस काम को करने के लिए जरूरी है कि वाइट को लगाना। जो इंग्रेविंग का काम करता है वो वाइट के बगैर कभी नहीं चल सकता, ये बात कभी भी आपने नहीं भूलनी। ये अब हमने ये 1 डिग्री लगा ली है, इसके बाद हम इसी डिग्री को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ये लेमन येलो और इसके अंदर वाइट का टेंट, यानी कि इस डिग्री से हम दूसरी डिग्री तेज कर लेंगे।
कैलीग्राफी के अंदर जितने आप शार्प और तेज कलर लगाएंगे, क्योंकि आज जमाने की रफ्तार ये है कि शो कलरों को लोग पसंद करते हैं, पुराने कलरों को कहते हैं कि यार ये तो बच्चे भी इनसे डरते हैं, तो इसलिए टोन जो आप इस्तेमाल करें वो शार्प कलर में करें, लेकिन हो वो मैच्योर, ये ना हो को बिल्कुल ही वो पद्धे लगने शुरू हो जाएं। किसी रिदम के साथ आपने इसको लगाना है, यानी कि ये मैंने ऊपर डिग्री लाइट लगाई है, उसके बाद सेकंड डिग्री हमारी डार्क आ गई है, और इसके बाद और डिग्री मैं तेज करूंगा। अब मिड येलो लिया है, इसके अंदर हम येलो आकर को मिलाएंगे और फिर इसके अंदर टिंट वाइट का डालेंगे कि उससे भी ये डार्क हो जाए। ये अब ये जरा नीचे है, इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए ऊपर करता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। अगर आपके साथ ये अमल हो तो आप भी कर सकते हैं। आर्टिस्ट अच्छा वो होता है जो बार बार टोन को बनाता है, कलर खत्म हो जाए फिर पैलेट पे उसी टोन को उसी तरह बना ले। देखने में कोई इसको मर्ज नहीं कर रहा, दब्बे दब्बे से लगाता जा रहा हूं और ये इंशाल्लाह खूबसूरत बनती जाएगी। जो पहले बात रिपीट करता हूं कि इसको लगाने के बाद आपने इसके एजेस को वॉश जरूर करना है, ये मेरी हैबिट है, अच्छी है या बुरी है लेकिन इसको मैं कभी वेस्ट नहीं होने देता। कि ये देखें उंगली के साथ मैं इसको बिल्कुल वॉश करता हूँ कि कलर जो बाहर की तरफ निकला होता है वो बैलेंस हो जाता है और पेंटिंग का किनारा जो होता है वो क्लियर हो जाता है और देखने में भी खूबसूरती आ जाती है, और बार बार जब हम उठाते हैं तो वो फिर हमारे हाथों को भी नहीं लगता। ये इसको आपने लाजमी इस तरह करना है और फीलिंग भी हो जाती है। तो अब जनाब इसके अंदर हम ब्रोकन कलर चलाएंगे। ब्रोकन की पहले डेफिनेशन ये सुन लें कि एक नाइफ पे कम अज कम तीन कलर या दो कलर होने चाहिए। ये देखिए मैंने वाइट उठाया है, इसके साथ ही मैंने ये लेमन उठा लिया और इसके साथ ही मैंने मिड येलो, ये तीन ब्रोकन कलर उठा लिए। अब इसको यहाँ पे रखकर ये फिर ब्रोकन उठाएं, इसको कोशिश ये करनी है आपने कि एक लम्हे के अंदर ही लगाना है, बार बार इसको नहीं छेड़ना कि ये मैड़ा हो जाए। और इसके अंदर रंग बहुत ज्यादा लगते हैं,
बड़े नरम अंदाज से। बहुत बोल्ड स्ट्रोक होते हैं इसके। बहुत बोल्ड स्ट्रोक है इस पेंटिंग के। कलर मैं ब्रोकन ही उठा रहा हूं। ये देखें पर्शियन ब्लू मैंने उठाया, तो इसके साथ ये सेरोलिन ब्लू को ये देखें, एक ही नाइफ पे दोनों कलर आ गए। ये फीलिंग हो गई। ये तकरीबन हमारी फिल्म हो गई है। इसके अंदर ये जो स्पॉट आए, ये इसका टेक्सचर कहलाता है। अब इस नरले से हम इस इन्हीं कलर्स को उठा लेंगे और इसके एजेस वगैरह बनाएंगे। ये इसको इसके पैनल को हमने तोड़ना है। ये पैरेलल नहीं रखना, इसके पैरेलल को जिग जैग कर देना, कहीं से छोड़ दें कहीं से लगा दें।
बेस पे पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले लास्ट व्हाइट कलर लगाया गया है, पहले भी इसके बारे में सर्टिफाई किया कि बैक पे व्हाइट कलर लास्ट में लगाना है। ये क्वेश्चन रहता तो इसकी वजह से आपका पेंट लग गया। व्हाइट कलर तो हमारी पेंटिंग से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में लगे थे जैसे मैंने बताया, इसके बगैर तो कोई भी नहीं हो सकती। व्हाइट कलर भी ये तो व्हाइट कलर बैक पे बेस पे रहेगा। हम इसको ऊपर रिफ्लेक्शन देंगे। ये पेंटिंग का जो साइज है वो है 24x36 इंच। जी क्या ये वही कलर मैं अब थोड़े छोटे से स्पॉट दे रहा हूँ इसकी रबश बनाकर कि पता ना चले कि क्या है। क्वेश्चन आया है कि क्या गोल्ड लीफ लगा सकते हैं वही कलर पेंटिंग? हाँ जी लगा सकते हैं, लेकिन गोल्ड लीफ अगर ना लगाएं तो बेहतर है क्योंकि वो आर्टिफिशियल काम होता है। पेंटिंग का सूट जो है वो कलर्स के साथ ही होता है। ये देख ये क्रिमजन और इसके अंदर मैंने अब वाइट थोड़ा सा, ये सारी मल्टी कलर। ये ऑरेंज के अंदर वाइट, ये बोल्ड स्ट्रोक, ये डार्क मॉव की डार्क मैं लगा रहा हूं। ये देखे एक मिडी येलो थोड़ा सा निकाल दो। डायरेक्ट कलर इसको आप न्यूट्रल ना करें, इस तरह के स्पॉट छोड़ते जाएं। ये बहुत बोल्ड स्ट्रोक है इसके अंदर, ऐसे है जैसे कुछ चीज धंसा दी जाती है। तीन कलर जरूरी है, वाइट, लेमन और अल्ट्रा मैरीन और स्कारलेट।
ऐसे पूरी दुनिया के कलर्स तैयार होते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको ये भी टेक्निक लास्ट क्लास में बताऊंगा कि आपने 3 कलर से काम करना है और पूरी दुनिया के कलर्स निकालने हैं इसके अंदर। बस निकालने आने चाहिए। बड़े नरम हाथ से इसको आपने करना है। इसके अंदर सारा टेक्सचर ही टेक्सचर बनता है। अब ये मैं इससे ये देखे टेक्सचर बना रहा हूं। अब मैं रंग नहीं लगा रहा, सिर्फ इस स्क्रैपर की मदद से इसका लाइनिंग। अब इसका प्रोसेस है कि इसको हम शावर के साथ उल्टा करके पानी, ये इतने बोल्ड स्ट्रोक हैं, जब इसके ऊपर आप लिखाई देखेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि कितना बड़ा बोल्ड स्ट्रोक है, कि कितने एम्बोज कलर हैं। एक तो वाइट को पहले लगा लेना है अच्छे तरीके से, 1-2 घंटा रेस्ट करवानी है पेंटिंग को, और दूसरा ये शावर के साथ पानी लगाना ना भूलना कभी भी। अगर इंग्रेविंग का काम करना है तो, अगर आप इंग्रेविंग नहीं करना चाहते तो फिर एज यू विश, फिर कोई जिम्मा नहीं है, आप जिस तरह मर्जी करें। अगर आपने लफ्ज़ को खोदना है तो फिर आपको ये पानी लाना लाजिम है कि आप इस पानी लगाए बगैर काम ना करें। ये मैं आपको उसूल और अपनी टिप बता रहा हूं। हमने इसके ऊपर अस्माउल हुस्ना लिखना है और कोई खत नहीं लिखना, जिस तरह आपका दिल करे वो लिखेंगे हम, कोई पाबंदी नहीं। तो इसके अंदर हम जली हरूफ भी लिखेंगे और खफी भी लिखेंगे। जली से मुराद ये होता है कि मोटे कलम से, और खफी के साथ ये होता है कि बारीक से। खफी खत बारीक को कहते हैं, जली मोटे को कहते हैं। और अब हम इसका आगाज करने लगे लफ्ज़े अल्लाह से। और अच्छा, इसके अंदर कोई जरूरी नहीं होता कि आपने भरपूर आपका सफेद नजर आए, नहीं कहीं से आपका कलर भी आ जाए तो वो ब्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है। बस ये आपने इसकी कंपोजिशन करते जाना है नीचे से ऊपर की तरफ।
अस्माउल हुस्ना है, लफ्ज़ जलाला से हमने इसको स्टार्ट किया है। अल्लाह अर रहमान अर रहीम अल करीम अल मालिक। ये टुकड़ा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और ये देखें ये इसकी नेगेटिव स्पेस मैंने छोड़ दी है, यहाँ से ये इस रैप में जा रहे, इस रवश में नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम इसके अंदर छोटे लफ्ज जो हैं वो डाल देंगे इसको फिल करने के। यहाँ पे हम डाल देंगे अस्सलाम, यहाँ पे हम डालते हैं अलगनी, पेज कस के थे दूसरा। यहां पे हम लिखते हैं अलमुगनी, अलफत्ताहो। इसके अंदर कोई खत की कैद नहीं है, सिर्फ आपने कंपोजिशन को बैलेंस करना है। अशकूरो, अशकूर। यहां पे हम अलहजीम लिख देते हैं। अब छोटा नाइफ जो हार्ड है इसको लेकर इसके अंदर हम इसको स्पार छोटे छोटे से कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ये बढ़ाएंगे, ताकि कलर्स आपस में मर्ज भी हो जाएं और पकड़े भी ना जाएं इस बॉर्डर की तरफ। ये देखें छोटी छोटी सी लाइनिंग और ज़िगज़ैग बेतरतीबासा इसको हम चलाएंगे। ये जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पेंटिंग कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी।
इसके अंदर क्या है कि हम लाइंस ऑफ डिस्टॉर्शन और कलर्स ऑफ डिस्टॉर्शन, लाइंस का तोड़ना और कलर्स का तोड़ना, ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह हम टूटे फूटे से कलर लगा रहे और ये इसके अंदर मोज़ेक टाइप ये डबियां ये जो छिन छिन है ये ही इसकी खूबसूरती बनती है और कलर्स फिर पकड़े नहीं जाते कि किस तरह लगाया था और क्या लगाया था। यानी कि आपका पैनल टूटा फूटा लगे। राशि राशि इसके अंदर हो जाए लाइनिंग का और एक ये खूबसूरत टेक्सचर आपको नजर आएगा। लिखाई के बाद इसको आपने बनाना है और बेरबत बनाना है, कोई जिसको कहते हैं मिथ के बनाना वो नहीं बनाना, कहीं से बाहर कहीं से अंदर और कहीं से पैनल टेढ़ा कहीं से सीधा ये आपने बनाना है। देखिए अब ये स्लांटिंग है और फिर ये हॉरिजेंटल आ गया, इधर थोड़ा है फिर इधर ज्यादा है, ये इसका स्टाइल है और इसकी खूबसूरती है, लगेगा आपको अच्छा। अब इसका ये नीचे वाला जो है इसको बना लेते हैं। डरना नहीं है, इसके अंदर कोई झिझक नहीं है, जिस तरह मर्जी आप लगाएं लेकिन कलर्स जो है ना वो मर्डर नहीं होने चाहिए आपके, ना कलर खूबसूरत ही रहे। ये ये लाइनिंग हो रही है, ये खूबसूरती की तरफ पेंटिंग को ले जा रही है। ये इसकी बोलती ऐसे होती है जैसे मुसल्ला नहीं होता, मुसल्ला ऐसे एक ये और एक ये इस तरह कर दे तो खूबसूरत लगेगा। किसका अगर कोई कलर जिसका टिंट आप नहीं यूज करता है तो वो अगर वो अवेलेबल ना हो तो क्या एक्रेलिक का वो शेड यूज कर सकते हैं? लेकिन वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, कर सकते हैं लेकिन वो उसकी केमिस्ट्री जो है बेटा वो नहीं होगी। ऑयल के अंदर आप वाटर को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ देर के बाद आपकी पेंटिंग डैमेज हो जाएगी और वो क्रैक होनी शुरू हो जाएगी। ये आयल के साथ आयल ही होता है तो वो खूबसूरत लगता है और उसकी पकड़ी उसके साथ सही होती है, अदरवाइज ये जो साइंस है ये गलत है। वाटर के साथ आप आयल मिक्स करें, अल्कमोनियम में तो ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे पता नहीं शायद हो जाए तो हो जाए कि
जब काम करना है कल मैं इंशाल्लाह पैलेट पे कलर ही वो निकालूंगा जो मुख्तसर से होंगे, और उससे मैं बताऊंगा आपको कि ये देख लें, ये मैंने 14 रंग बना दिए 3 कलर से, और वो 3 तो मस्त हैं, उसके बगैर तो फिर पेंटिंग को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो अब आप बताएं कि आपको ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। इसको जब आप फील करेंगे बाद में करीब से, तो इतना मोटा टेक्सचर है इसका कि सुभान अल्लाह, अकल जो है वो शस्त्र रह जाती है कि एकदम इतने मोटे कलर किस तरह लगा लिए। तो बेटा इनकी यही टेक्निक है, जितने मर्जी लगाए जाए, और अछूते रंग ना लगाए, उसके साथ मिलते जुलते लगाए। ये अस्माउल हुस्न अल्लाह के जाती नाम है, और ये इसको हमने कंपोज कर लिया है। अल्लाह अर रहमान अर रहीम अल करीम अल मलिकुल कुद्दूस सलाम अल फत्ताह अल मुगनी अल शकूर अल अजीम अल गनी। तो इतने पैनल के लिए ये काफ़ी है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर हम 100 का 100 ही लिखें। तो यहाँ पे मैं साइन करूँगा, साइन की भी एक अहमियत होती है कंपोजिशन के अंदर। अब यहाँ पे इसको मैंने इस साइड पे किया है कि पेंटिंग का ये जो एज है वो बैलेंस हो जाए कंपोजिशन वाइज, कि ये जगह अधूरी ना लगे। फिर भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप इसको थोड़ा सा और मजीद बोल्ड करने के लिए इसके ऊपर छोटे छोटे से स्ट्रोक्स ऐसे ऐसे लगाएं प्योर कलर्स के रश लगना शुरू हो जाए पेंटिंग के अंदर, और फिर बाद में कुछ देखे तो पता ना चले कि क्या किया है इन्होंने, पहले क्या किया बाद में क्या कर रहे हैं। यही कारीगरी है इसके अंदर। तो ये अजीज तुलाबा आपके सामने ये मैंने 3 फिट बाई 2 फिट के कैनवस पे काम किया है आज, और इसका लाइट शेड पीछे भी है और आगे भी है, और ये खूबसूरती भी है इसके अंदर कि इसको हम किस तरह निभा रहे हैं। इसके बारे में अब कुछ सवाल है तो आप मुझसे कर लें, इसका कोई खत नहीं है, टूटा फूटा सा खत है, ये खते नस्ख है एक्चुअल। इसको बिगाड़ दिया जाता है, जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट के अंदर हम करते हैं कि एक लड़की का फेस बना रहे हैं, उसकी नोज बहुत लंबी बना देते हैं, आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं, मॉडर्न जिसको आप बोलते हैं, हाजर असरे हाजर के वक्त जो काम किया जाता है उसको हम कंटेम्प्रेरी आर्ट करते हैं। तो ये उस तरीके का है, अगर हम इसके ऊपर प्योर जो है खत लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम उस जैसा मिलता जुलता बनाएंगे। और एक बात का ख्याल और भी रखना है कि जब आप मश करते हैं तो उसके अंदर उसूल और जवाबत और रवाबत का होना ज़रूरी है, और उसके औजान होने चाहिए। जब आप पेंटिंग करते हैं कंपोज करते हैं, तो कंपोजिशन में आप इस लफ्ज़ को ऊपर तक भी ले जा सकते हैं या इधर भी लिटा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह करना चाहते हैं, कि किस तरीके से ये खूबसूरत लगे। उसके अंदर कानून और जवाबते तोड़ दिए जाते हैं पेंटिंग के अंदर। जब आप ट्रेडिशनल कैलीग्राफी करते हैं ऑन पेपर काने की कलम और दवा से, तो उस वक़्त वो चीज़ें मलूज़े ख़ातर रखनी पड़ती हैं कि इसके क्या औजान हैं और इसकी कितनी कशिश है और कितना सफ़र है और कितने कत लंबा है, ये कितने नुक्ते हैं इसके अंदर, वो मश्क के उसूल हैं। तो जब हम कंपोज करते हैं तो कंपोजिशन के अंदर हम जिधर से मर्जी चले ले जाए वो कोई फॉल्ट नहीं होता, सिर्फ हमने नज़रों को अच्छे तरीके से
दिखाना होता है और नजरों में इसको जचाना होता है। तो लिहाजा ये पैनल आपके खिदमत में पेश पेश है, आप भी इस तरह ट्राई करना ज़रूर और देखना कि इन गीले गीले कलर्स को एक दूसरे के अंदर हम कैसे मर्ज करते। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर एक बार ले जाना है इसको स्केर के साथ या नाइफ के साथ, ये ना हो कि आप इधर लगाकर फिर उसको ऐसे ऐसे करें तो ये मड बनने का खदशा होगा। एक बार स्ट्रोक एक ही लगाएं, उसको छोड़ दें, फिर आगे ले जाएं जिस तरह मैंने आपके सामने लगाए। तो ये था जी के एक पेंटिंग का पीस जो मैंने आपके सामने कर दिया। कल इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के फजलो करम से अगर जिंदगी ने वफा की तो हमारी कल आखिरी क्लास होगी। ये 5 दिन का जो वादा किया गया था फ्री ऑफ कास्ट वर्कशॉप का, वो मैंने आपके नज़र कर दिया। कल बात भी तफसील से करेंगे और काम भी तफसील से करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।